लालकुआ बिंदुकता राजस्व गांव बनाने की मांग को लेकर आज आदर्श जन विकास समिति के तत्वाधान में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले को ज्ञापन प्रेषित किया। यहां आदर्श जन विकास समिति के अध्यक्ष हरीश लाल के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने गोला पार्क पहुंचकर रिपब्लिक ऑफ इंडिया अठावले के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर समिति के सदस्य पूरण चंद्र विश्वकर्मा ने कहा कि बिंदुकतावासी पिछले 70 साल से निवास करते आ रहे हैं, वहीं लंबे समय से बिंदुकता के लोग राजस्व गांव की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी ठोस कार्य नहीं किए हैं। इसके चलते ग्रामीण स्वयं को ठगासा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खत्ता क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं एवं वहां के लोग की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अविलंब बिंदुकता क्षेत्र को राजस्व गाँव का दर्जा दिया जाए। आदर्श जन विकास समिति से है हम, रिपब्लिकन पार्टी और आदि विकास दोनों मिलकर सर्वे, पूरे बिंदुकता का सर्वे किया हुआ है। जो सर बिंदुकत्ता कई 70 से 75 सालों से अभी तक वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। अगर सरकारी सुविधाएं सारी हैं पर परंतु हम बोर्ड के अधिकारी हैं, वहाँ पे राजस्व गांव की मालिकाना हक नहीं है, इसलिए हम बिंदुकत्ता को राजस्व गांव बनाने की ज्ञापन देने आए हैं। श्री यशपाल यारिया जी, प्रदेश अध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले जी। जी बहुत ज़्यादा समस्या होती है, जैसे अभी कुछ स्कीमें आई हैं ये कोरोना, उसका किसी को भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, जैसे लोन की है और रोज़गार की है, जो प्लान जो तरह की कोई सुविधा नहीं है। हम उम्मीद रिपब्लिक पार्टी से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी मांग को सुनेंगे और इस कार्य को, इसलिए हमने ये ज्ञापन दिया हुआ है कि बिंदुकत्ता को जल्द से जल्द राजग्राम बनाया जाए। इसके अलावा आंदोलन की रणनीति क्या करेंगे? जी नहीं, यस, आगे हम आंदोलन करेंगे, हमारी ये लड़ाई आगे तक चलती रहेगी जब तक इस राजस्व गांव की मांग पूरी नहीं होती। आदर्श जन विकास समिति के जो लोग हैं उत्तराखंड के हमारे, वो लोग बिंदुकत्ते में निवास करते हैं। पिछले 70-75 वर्षों से बिंदुकत्ता बसा हुआ है, लेकिन अभी तक राजस्व गांव नहीं हो पाया। वास्तविकता में कई सारे राजनीतिक पार्टियां और संगठनों ने वहां पर काम करने का प्रयास किया, लेकिन पूर्ण रूप से सुनवाई नहीं हुई, तो तभी आम जनता के लोग हमारे पास तक पहुँचे। माननीय रामदास अठावले जी के लिए उन्होंने पत्र बनाया है और माध्यम हमें बनाया है। हमें विश्वास है कि अभी हम लोग दिल्ली जाएंगे एक शिष्टमंडल और वहाँ से एक पत्र बनवा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ला करके सर्वे का कार्यक्रम जल्द से जल्द शुरू करवाने का कार्य करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ही अधिकतर अभी आपको मालूम होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब इसके फाउंडेशन हैं, उनके द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में लगातार इस तरीके के जो काम हैं, जो रुके हुए काम हैं, उन कामों को पूरा करने का संकल्प लिया गया है। कोई सताए हमें बताए प्रोग्राम भी हमारा चल रहा है, उसी के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत जल्द हमें विश्वास है कि बिंदुकत्ते में जाकर के एक बैठक भी की जाएगी और इनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।